शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन कृष्ण सदै सन्तु निरभया सदै भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चि दुर्भावने हरिओं शांति 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 ओम प्रभो स्त्रे भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्ति योग बार बार गए अर्जुन एवं सत्ता एवं पाप परिवार से यदि अभी समान सबसे शांति योग यथात्म तुझी
भई अरविंद श्रीरामत भक्ता स्वामी समय मिल जाए एकांत में बैठकर एहसास का मादा पैदा करो
कि मेरा जन्म केवल खाने पीने और बच्चे लाने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म धरती के लिए हुआ है, मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ। बार बार हमको इनको पाओ, क्योंकि हमारे भारतीय मनोविज्ञान का नियम है, जैसे सोचेंगे वैसे ही बनते चले जाएंगे। बार बार कहिए मैं गलती के लिए पैदा नहीं हुई, मैं ये राग द्वेष के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे वाइफ ने मुझे पैदा किया, मेरे माँ बाप ने इतना दुख पाया, मेरी माँ इतनी बेचारी मुसीबतों से निकली, पिता कमा कमा के अधूरा हो गया, तो केवल क्या ये गंदगी के लिए, क्या राग द्वेष कमा करके मर जाने के लिए? नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। बार बार अपने मन को कहोगे मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है, मेरा जन्म कल्याण के लिए हुआ है, मेरा जन्म अंतर निर्भर करके भगवान के योग्य बनने के लिए हुआ, न तो मैं पढ़ जाऊ और कमा लू और शादी कर लू बच्चे बनाते हिंदुस्तान में डर फैला के चलते जाऊ। नहीं नहीं नहीं, अपनी भारत भूमि में दम फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपने शुभ कर्मों से हिंदुस्तान में सुगंधी फैला के जाओ। शाबाश, आज के गाय बीते इंसान की जो रूढ़ी अच्छी है, जिसमें गुलाब का फूल लग जाती है, चारों ओर सुगंधी फैला देती है, वही रूढ़ी खाद बन करके खेतों में जाकर कितना अच्छा अनाज उत्पन्न करने में सहायता देती है। ऐसा सोचो मेरे सजनों, मेरी पढ़ी लिखी कल्याण कामी देवी हो, जो इस जमाने में चाल चला रही है, हटाओ अपने उस चाल को, उस चाल में ना लोग बनता है ना प्रलोक बनता है, वो चाल से हमारा कल्याण नहीं होता। जो जमाने में चाल चला रखी है उसमें हमारी तबाही है। वो देखो अपने भगवान कह रहे हैं, जो इस राह से हटके खाइश के बंदा बुला भैया, तो उसकी दुनिया में बेकार। कितनी गर्व गर्म चटानी प्रभु जी दे रहे हम सब कल्याण के लिए। जागो भारत की धार्मिक जनता, जागो जागो भारत की धार्मिक के लिए जागो। कोई परमात्मा का प्यारो गीता का प्यारो कर आपको जगा रहा है, भगवान की बड़ी कृपा कि आप में एहसास हो रहा है, और जाग जाओ और नेक बन जाओ और अच्छे बन जाओ। अभी आपको देखो कितनी पावर उठने डाली है, क्या आपका दिल नहीं करता, क्या आपका मन तरसता नहीं, क्या आपके मन में नहीं आता कि मैं भी ऐसा बनूं, वही गाय मेरा व्यक्ति, क्या भगवान के प्रेम की नजर में नहीं आना चाहते, क्या भगवान की मोहब्बत की नजर में नहीं आना चाहते, एक मर जाने वाले की मोहब्बत के नजर में आते तो क्या हो गया, उसे बार बार दिल मरण होगा। और मेरी भोली भाली बेटी और मेरे मूस और भाई और बेटे, अगर हमने किसी को अपने चंगे में फंसा भी लिया तो इसका परिणाम बार बार जन्म भर, और याद रखो आपका धर्म कह रहा है अगर हम ज्यादा एक दूसरे के प्यार में आ गए तो पहले जन्म में नारी जन्म और नारी का मर्द जन्म, अगर दूसरे के एक दूसरे के शरीर में हम रह गए तो लगाए कि लौ जिससे हासिल है। कही आपकी गीता, कह रहे आपका आत्मा अध्याय, कह रहे भगवान का श्री मुख। जागो मेरे बेटे, ये सिद्धांत है, कोई बकवास नहीं, ये सिद्धांत है, ये सत्य है, जो नहीं मानता वही अपने आप को नाश कर रहा। वैसे दो और दो चार सिद्धांत है, इसे जो महाराज जी ने पिछली गीता जी में कहा मनो अपने गए बीते मन को, ये सिद्धांत है। अगर नहीं मानेंगे हमारा बिगड़ेगा, भगवान का क्या बिगड़ना है, ज्ञान का क्या बिगड़ना है, हमारा बिगड़ जाएगा, हम कहीं काम के नहीं रहेंगे। ऐसे जगाओ मेरे बच्चे, ऐसी जगाने के लिए मैं आया हूं आप सबके लिए। क्या चलो खाने में पीने में चार पांच बच्चे बनाए और घर में मुर्गी खाना बनाया मर गए? नहीं नहीं, ऐसी बगावत करो अपने साथ, नहीं। हमारा जन्म हुआ भक्ति के लिए, बार बार को इस पावन मास में हम कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए अगर फिर ना पैदा होने के लिए, हाय हम पैदा हुए गई फिर न पैदा होने के लिए, फिर ये कैसे होगा? भगवान कहते यदि तो मेरे ज्ञान को ले लेगा और ज्ञान के अनुसार अपने जीवन गुजारेगा। वो देखो दूसरे ग्रह का अंतिम श्लोक, आपको मां बाप की तरह गोदी में लेके कह रहा है, दबे बाप से भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो। दूसरा ग्रह आपको गलती दे रहा है, क्या मां लेती होगी अपने लाडले बच्चे को गोदी में, जो गीता जी ने अपने जीव आत्मा को गोदी में ले रखा, और कितना एश्योरेंस दे रही है, कितना आपको यकीन दिला रही है। जागो जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी, सरली गंदे गंदे कामों में ना जाओ, सवित्री को याद करो, हाँ सीता जी को याद करो, कुशल्या को याद करो, और तो और राक्षसों में
इस तरह रह गई जैसे मक्की दातों में हमारी जबान रहती है। कौन? राम की पत्रानी मंदोदरी। क्या कमाल कर दे, रावण नर्क में जा रहा है और मंदोदरी स्वर्ग में जा रही है, उसके लिए बीमार आ रहा है। और जब नर्क की ओर घसीटा जा रहा है तो फिर नारायण प्रकट हुए, नहीं अंत समय इसमें राम राम कहकर पुकारा है। छोड़ दो इसको, मैं इसकी गति कर दू। वाह वाह, ऐसे विचार किया करो मेरे बच्चे, अपने विचार द्वारा यू बनाओ मेरे सजनो। ओ मेरी यंगस्टर्स, हमने बहुत सुख पाया वाणी को अपनाकर, आप भी हमारी नकल करो, संसार की नकल ना करो, संसार की में उलझी हुई लड़कियों की नकल ना करो मेरे बेटे। मैं आपसे बार बार कह रहा, तब ये सावन अपना अपने अपने कार्तिक मास का स्नान हमारे लिए सफल होगा। आओ ऐसा पक्का इरादा करते हुए, ऐसे मन में एक ठोस विचार रखते हुए, आज क्रम है दसवीं अध्याय का, दसवीं अध्याय का सार पकड़ ले। आज मेरी लाडली बेटी और मेरे बच्चे, आपके जीवन को शानदार बनाओ। किन तरीकों से? फिर कह रहा हूं भगवान की वाणी से, क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं, जो है मेरी तालीम पर कार बन करे मित्र चीनी को जो ना पसंद, अकीदा से पाबंद अर्षाद गए वो कर्मों के बंधन से आजाद छूट गए इस चक्कर से। ऐसे ऐसे श्लोकों पर बार बार विचार करके प्रेम के अश्रु से हमारी गाले गीली हो जानी चाहिए और ऐसा आंसू हमारे मुंह में आना चाहिए। परमात्मा की कसम, ऐसे आंसू आंसू नहीं होते, जो पश्चाताप में गिरते वो अमृत बन जाते हैं। प्रभु ने आंसू कहां देते हैं, जो पश्चाताप की हूं, एहसास की हूं, अपने को नेक बन जाने के हूं, ऐसे दो तीन आंसू अपने अंदर से जाने चाहिए। विभूति योग दसवां अध्याय, विभूतियों से भरा हुआ एक आप गुजारा है। विभूतियों के होते दिव्य शक्तियां, एक विशेष शब्द है अपने राष्ट्रभाषा में, दिव्य शक्ति। विभूति इज इक्वल टू दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स। पावर वाले शरीर की शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है, बौद्धिक शक्ति होती है, आत्मिक शक्ति होती है, एक देवताओं की शक्ति होती है, देवियों की शक्ति होती है, इससे परे नारायण की शक्ति। समझो मेरी भोली भाली जनता, समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणचारे वाले भाइयों, ये भी शक्ति मैंने क्या कहा, एक तो शारीरिक शक्ति, अच्छा अंदर चलो मानसिक शक्ति, हाँ बौद्धिक शक्ति, और परे आत्मिक शक्ति, आत्मा की, हाँ इससे परे देवताओं की शक्ति, देवियों की शक्ति, इन सारों से परे नारायण की दिव्य शक्ति। ये जो मैंने शक्तियां गिनाई है, ये नारायण की ही किरणें हैं। जैसे सूर्य देवता जी उदय होती है तो उन्हीं की किरणों से ही सारे संसार में जगमग जगमग होने लगती है, सारा संसार उज्जवल निर्मल इन्हीं के विशेष रौनक लेके प्रकट हो जाता है। पर किन से? अपने सूर्य देवता की किरणों से। स्त्री शरीर मानसिक बौद्धिक इत्यादि जितनी भी शक्तियां, ये भगवान की शक्तियों से ही क्या होती गई, भगवान की शक्ति शक्तिमान कहलाती है। देवी देवताओं के पास जो भी शक्ति है वो भी भगवान की है, इनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी क्यों ना हो, देवियां हो या आठ नौ, ये सब भगवान की शक्ति से ही जगमगा रही है। न सिर्फ दिन में सूर्य की किरणों से ही चारों ओर प्रकाश होता है, इस तरह सार में भगवान की शक्ति है। ये तो पुकार पुकार के कह रही है, दरअसल होती गए मेरी बात। अब दसवां अध्याय विभूतियों से भरा हुआ, अर्थात भगवान की दिव्य शक्तियों से भरा हुआ। ध्यान देना सब मेरे बच्चे, भगवान करे आपके मन में बैठ जाए ये बात, क्या भगवान सर्वव्यापी है ना? हाँ सर्वव्यापी, अर्थात हर जाई हर जगह। अगर भगवान ऐसा ना होते तो मर जाते। परमात्मा का नियम है, याद रखिए, जो वस्तु हर जाई नहीं होगी, सर्वव्यापी नहीं होगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, मर जाएगी। है हाँ, एक भगवान की तो जात है जो सर्वव्यापी है, इसी कारण से वो सर्वशक्तिमान है,
इसी कारण से सर्व समर्थ है, इसी कारण से कहती है मैं अव्वल में आखिर में हूँ, नहीं आदि में नहीं मध्य में और नहीं अंत में। कौन कह रहा है? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पी गए। जागो जागो मेरी बच्ची, जागो जागो मेरे बुजुर्गो, मेरे यंगस्टर्स, जाग उठो, वेक अप वेक अप वेक अप। उन्हीं के कारण से ही सब कुछ है, वो सर्वव्यापी है। अच्छा, और एक बात सब याद रखिए, वो गुरु के घर है, गुरु के घर। हाँ, उनमें मुख्य गुण ये है, सब चित आनंद। सब तोते जो हमेशा रहे, चित तोते जो चेतन हो, यानी पावरफुल हो, अच्छा और आनंद का घर हो, ये परमात्मा ने लिए बनाया। जो सत्य होगा वो जड़ नहीं हो सकता, वो मिट्टी के ढेले की तरह बेजान नहीं हो सकता, वो जानदार होगा। अच्छा, और जो चेतन होगा तो वो आनंद का घर होगा, वो जीव को गदगद कर देगा, वो जीव को कृतार्थ कर देगा, वो जीव के मन में हर्षो उल्लास। ये शब्द पकड़ लो गीता का, बारहवें अध्याय का भी हमने अंत डाली, हर्षो उल्लास बढ़ा देगा। जीव को खुशी नहीं चाहिए, हर्षो उल्लास चाहिए, जीव को प्रसन्नता नहीं चाहिए, जीव को शांति चाहिए। और शांति भी कैसी? शाश्वत अर्थात अटर्नल, पीरियल एंड परमानेंट, जो उत्तर उत्तर बढ़ती रहे, जैसे चंद्रमा की कलाएं निर्जरी में समझो उत्तर उत्तर बढ़ती जाती हूं। एकादशी, प्रद्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, लो पूर्णिमा। इस तरह हमें तो वो खुशी चाहिए, और वो मिलती है भगवान से, क्योंकि भगवान आनंद का घर है। होम ऑफ ब्लिस, होम ऑफ पीस, भगवान जी, जी जी। अच्छा, अब वो गुरु से भरे हुए, भगवान गुरु से भरे हुए। बाबा तो बाबा बोलिए, तो फिर अगुण कहां से आते हैं? प्रकृति से। अच्छी लगती है, क्यों? मीठा बनती है, व्यवहार उसका बहुत अच्छा है। जब कभी आप ध्यान देंगे उसको, कितना स्वागत किया है आपका। ये आपको रामलाल बहुत अच्छा लगता है, पर बता नहीं मिलता क्यों? रामलाल का सुबह मीठा है, रामलाल मन चूह करता है, जो दुकान है ना वो बस तटस्थ रहता है, इंडिफरेंट है वो, ज्यादा ना तो ज्यादा हिस्सा लेता है ना ही कुछ इस प्रकार की बात करता है। ये देखिए मन किधर जाता है, जहां भगवान आपके अनुकूल है, मैं यहां ले जा सकता हूँ। आप मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, ठीक है बाबा, दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं वो अच्छे लगते हैं। ज्यादा मन कान झुका हुआ है, किसी का पिता नहीं है, किसी का माता जी नहीं है, क्यों? दोनों आते नहीं, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, मेरी एक बाई आकर, मेरी बाई आकर, बहुत कुछ, वेरी गुड। पिताजी हमारी बाई आंख मानी गई है, और माँ हमारी पिताजी बाई आंख, माँ हमारी बाई आंख, बिल्कुल दोनों वाली आंख है। हाँ, लेकिन सच्चाई की बात, एक मन झुका होगा, किसी को पिताजी बहुत अच्छे लगती है, किसी को माँ बहुत अच्छी, क्यों? तुम ये माँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनको माँ बहुत अच्छी लगती है, पिता की अपेक्षा मन बहुत ज्यादा है। लेकिन मन अब कहा जाता है, पैर पकड़ो, नहीं पकड़ के मैं चले जाऊं भगवान के पास, मैं आपको पकड़ाने आया हूं, पकड़ा आपके जाना नहीं। मन को झुकता है, गुरु को देखता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। लेकिन ये बात दो ही भाई है, मुझे आपको नहीं भाई है, जो आपकी ऊंचवादी मूवमेंट कर लेती है, आपके अनुकूल है। अच्छा व्यवहार इसने कभी नहीं इनकार किया, मैं आपकी पूरी सेवा करती है, आपकी कपड़े कितनी जल्दी भी धो के फ्रेश कर देती है, बाकी बने हो तो आपकी बने हो। लेकिन लेकिन परंतु किंतु अपितु बाकी मेरे मैं परंतु है, किंतु है, अपितु है। और ये जो मैंने ये क्या है, जिनसे बच्ची सुविधा है, सुबह से शुभ फौरन आपका काम कर दिखाती है, लेकिन मैं झुका हुआ अलग आपका कूल है। एक ही मात्र परीक्षा से निकले है, लेकिन दूसरा ही अच्छी लगती है। तो हिंदू कार्बन बात नहीं, मन का झुकता है, दिखे दिखे पड़े प्राप्त उठ गुजारी सारी रात, वो हमारे अनुकूल है।
जो दुनिया मन देखी हम शादियां कहा करते हैं, कई बार में आते हैं हमारे पास, कई की फोटो हमने लगी हुई है अखबारों से हुई है, हाँ, और कई फोटो हमने ताश के पत्ते दिखाए मेज के ऊपर सही सबको बनाकर रखी है, ये गर्म नहीं ये अब कितने फोटो जा रहा है, ये छठी पिक्चर है ना, ये छठी फोटो ये बहुत अच्छी, उनका मेरे बच्चे वो वीटीएम देख कर आपका जमाना वीटीएम की मेरे बड़े कागज छपने गए बड़ा घटा वो बैर के सामने ला करके आलू कटेरे पर काश करते हुए मेरे कहने का मतलब किस चीज को पसंद करते हो जिसमें आप मन देखते हैं सिद्धांत कर लिए मेरी बेटी सिद्धांत है, इनके बाद रात सिद्धांत है, सर्दी के बाद गर्मी सिद्धांत है, वो और दो चार सिद्धांत है, ये सिद्धांत है मेरे बच्चे, इसमें हम सीख रहा कर सकते इसे मैं मान लेना होता है, इस तरह की सिद्धांत है मेरे को देखकर मन झुक जाता है, समझे ना मसला गाय कितनी मदद कर रहा हमारी ये मृत्यु योग गाय कितना प्यारा गए वो एकदम काया कर पा देता है, मेरे बुजुर्ग मेरे भाई ये कितना अच्छा तुम्हें उनका भी मैं न रहने दो पकड़ो अपने मन के अंदर भाई मैं उनसे मान रहा हूं तो सच्चाई से बात कह रहा हूं जैसे मैंने उनको पकड़ा हुआ है और अपने अंदर मन में सुचारू रूप से इसे सजा लिया है। अच्छा क्या कि उन जो गुजर गया हमारा अनुभव देखती है उसे भी अपने बना लेती है, उसे भी झुकना चाहते हैं बातचीत करना चाहते हैं रिश्ते बना लेती है, हाँ देख लो देख लो मैं आपको खास करके आपका काम भी नाम और मेरी बेटी मन भी नरम नरम मन को गर्म बड़ी जल्दी छीनती है, आपका गर्म मन है और सख्त मन है, भगवान बोलता है नर का गर्म मन और सख्त मन, नारी का नरम मन नरम पन जल्दी छूट जाती है, इसलिए मन बात करते हैं किसी शादी करो हम जल्दी किसी को चोरी चोरी ना बना ले अपने मगर लड़ने का मतलब ही नहीं मिलता, आपका मन जल्दी पिघल जाता है, आपका ऐसा मक्खन है थोड़ी सी आज के पास मैटी और पिघल है ना ऐसे नहीं हाँ ना जागत हुई है मुक्ता है जल्दी नहीं पिघलता। अच्छा क्या जरूरी है मैं आपको रिश्ते के लिए आया ये बात आप इनकार करने के लिए शर्म मानने में लगे क्या लोगों के कारण से जहां मानने को देखा बस क्या हुआ अपनी छाती या सीने से निकल कर उसकी तरफ चला जाता है हाँ भाई घर में रहता हुआ चिंता किसका हो रहा है किसका मैं सच्ची बात बताऊ मेरी उदासी आ रहा है एक का मैंने सूट देखा है बड़ा प्यार लगना था उसमें जो डिजाइन थोड़ा सोना था हाँ मैंने उससे पूछा आपने कहा से लिया तो उसने कहा फलानी दुकान से आने बैठा तो घर में लेकिन मेरा मन दुकान में जा रहा कि जाओ मेरा ध्यान खत्म नहीं जाए मैं इस सूट का कपड़ा ले आऊ वाह वो सुनिए जिसने आपने देखा कपड़ा भी आपको नहीं पसंद आ रहा है जो सूट की जो कमी निकल दे आपके छह सात सूट है निकल वो आपको पहले गुण देखा ना आदमी पैदा करना बाबा तो कसौटी भी अच्छी लगती है वाह अब आप मेरा चाहते हैं मैं तो घर में वो तो मन कहां जा रहा है एक अमुक दुकान पर जहां से पता लगा कपड़ा है तो मन भाग जाने वाली किसी का नहीं मन का मेरा कान कहीं मन भाग जाता जिसको हमने अच्छा समझा जिनको नौकरी नहीं मन नौकरी में लगा पीता है जिन मेरी बच्ची की शादी में हो रही मन शादी में लगा पीता है मेरी नौकरी जा रही है ये होता जा रहा है फिर मुझे अच्छा घर में पा रहा है घर में बैठी हूँ और मन कहां जा रहा है अपने घर के संग चुनी मन का मन बाबा चुनी बन जाता है अपने घर के संग है कमाल का बाबर मन आपका घर में जाता है माँ 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 दुनिया बनाने वाली तो जहां हमने गुण देखा तान कहीं तो मन कहीं चित कहीं तो वो कहीं सब सच्ची बात है ना हाँ सच्ची बात है ना भारत में कभी भी कितना तस्वीर करता है तेरी गली में आकर बड़ा प्यार करते हो उसी के लिए कह रहा है तेरी गली में आकर हम खो गए दोनों हम दोनों खो गए दोनों खो गए पहले वो आए थे अब हम खो गए तेरी गली में आकर हम खो गए ये दोनों दिल उनको ढूंढता है मैं दिल को ढूंढता हूं क्या हसब तस्वीर है बेटी वही दसवें अध्याय के अनुसार दिन मुझको ढूंढता है मैं दिन को ढूंढता हूं निकल जा रही थी कहा चलेगा जिसके मैं बड़ी में चाहता था
भगवान ने दस में बताया क्या जहां भी कोई बुरा ना उठा रहे परमात्मा करे मेरी हर भैया हर बेटी हर उपस्थित बुजुर्गों मेरे भाई ना उठा रहे व्यवहार करते तो जब जल्दी सुन लीजिए और हमारी उम्र में आपके लिए आया है मुझे अवसर नहीं हो रहा है सात दिनों के लिए मुझे बुलाया गया मैं तो आपके लोग प्रयोग के लिए आया हूं हर रोज हमारा उत्सव है हर रोज हमारी दिवाली है ध्यान दीजिएगा भगवान कहते हैं जल्दी जल्दी बोले में कलयुग होना है तो जाओ गुण जाए गुण के भगवान की गुण अगर मेरी नाम में गुण जाती है तो मां के भगवान ने अधिकार नहीं समझा तो गुण दिया और पिताजी में गुण नजराते तो पिताजी को अधिकारी समझे विशेष विशेष गुण बहन को विशेष विशेष गुण गुरु भक्त भगवान की है जो मेरा राम राम मित्र है उसमें विशेष विशेष गुण है क्यों मैं उसका अधिकारी पर राम राम वेरी डिजर्विंग सरदार गोल्ड क्वालिटीज अच्छा अच्छा वो गुण उनके नहीं अच्छा मैं तो किसी जमीन वालों का इतना सुंदर सूट इतनी बढ़िया जमीन और भी नेकलेस ये कम से कम ग्रीन अगर मेरी आप ठीक काम करती तो 18-19 हजार रुपए का कितना पड़ेगा अरे पूरी बात तो पड़ेगा है ये तो मुझे सीखा है मंडी के अंदर अनाज मंडी में हाँ मैं मैंने बोली तो तू क्या ऐसी मुझे सिखाने के लिए क्यों तुझे कहा बता दू हाँ मेरी जो पास हुई है ना वो सिखाने की हुई है ना उसकी मैं बात फैला दू उसके बाद करे क्यों मान के लाइन में देने परमात्मा जी का सामान हमारी भगवान से मान के लाइन में अपनी मालिक सी और ये कमेंटी वाली ये मुक्त जैसी सिखाने की थी आपकी मान के लिए आपके लिए वो तो अब तो घर तो नहीं गए हम तो पांच तत्व तो कितने गए हाँ हम तो तीनों दिनों वाले गए हाँ, तो अगर कोई गुण हो तो मान की आपको अधिकारी संघ की हुआ नट बिलाने की ही नट बिलाने की आन वाल की राम कृष्णा पकड़ लो ये सिद्धांत है मैं बहुत सकता हूं इस गुरु को लेकर के सिद्धांत है मेरी बेटी मैं नई जबान मत लड़े दो गीता जी के कर्मों भरते हुए समोकों में मत लड़े दो पकड़ो अभी बने अपने पास अभी क्योंकि हम समझ की ऊंचे मनोरम गुण है मनोरम सुंदर है नहीं भगवान ने उसके लिए विशेष रोशनी अपनी रखी है क्योंकि चेहरे पर या बालों पर चमकती है अच्छा विशेष लाली गुण है अच्छा और एक विशेष इंटेलिजेंट है बिकॉज वो कैपेबल फॉर दैट इंटेलिजेंसी अच्छा और देने वाले मालिक है अच्छा मेरी बात किसी ने कहा जब ये सिद्धांत का बने तो यू पकड़ो क्या दुशासन थक गया द्रौपदी के जीव उभरता 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 थक गया सॉरी इतना ढेर इतनी झंड पहुंच गई थी तू तो इतना ढेर जैसे बाहर बन गया कि ये क्या बात पीछे श्याम सुंदर कपड़े का अवतार लेकर के उसने प्रवेश किए हुए मानो श्याम सुंदर जी ने दुनिया बनाने वाले ने कपड़े का अवतार कपड़े नया अवतार ले लिया तो खुलता था क्या मजा करी तो सत्संग तुम्हें इस नरम धोती को जरा भर ली क्या विवस्त्र का जब मैं विवस्त्र वस्त्र नीज राम कर विवस्त्र कर सके नहीं कर सकेगा तो कोई शांत भगवान जी वस्त्र का उतार ले लिया ढक के हाथ में और भगवान को हाथ रख के बैठ गया ऐसा हार भगवान बैठे इतनी परिश्रम होती है और जिसे रब रखे इसी कौन चक्की वाली जिसमें है ना कावत या फिर भगवान जी वस्त्र का अवतार ले लिया था इसी तरह भगवान में मन है जिसको चाहे चाहे नहीं जिसको अधिकारी समझेंगे हाँ अब जब भी बार हमारी उम्र हमारी सताएंगे जैसे भगवान वस्त्र मन के द्रोपदी के ऊपर छा गए थे और फिर भी किसी जगह अपने हाथ में लेंगे शाबाश इसे जिसमें क्या अभी सिद्धांत पकड़ो 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 अपना सिद्धांत पकड़ो मैं दोनों भुजान खाते जा रहा हूं पकड़ो मैं आने दो न
मेरे मुख में ना रहेगा प्रचार के मुख में, ना रहेगा गुप्ता के अंदर, अगर मेरे अपने अंदर जिन भगवान चलाती है उसको अधिकारी समझते हैं, उसी देती है। हाँ आप भगवान की हिस्सेदारी क्या करते हैं, गुप्ते जल का सार क्या है, जाए भी कहीं इन आंखों को और आंखों के पीछे छिपे हुए मन को मन नजर आ रहे हैं। मैं इस धर्म के बाद इस सिद्धांत को सुनने और मान लेने के बाद जब मैं अंदर अंदर इसी में बन गए थे जाए मेरी मालिक ये आई थी, मेरी बच्चा भी बीमारी है, मेरे पिताजी ने, मेरी भाई ने, मेरी भाइयों ने, ये मेरे मित्र ने, आज मेरी लागे लागी पत्नी ने, ये मेरे बुलारे बुलारे पत्नी ने, ये मैंने आपको बख्शा है, ये मेरे गुरुदेव ने, ये मेरे भाई बीवी ने आपको बख्शा है। जब ये सिद्धांत हमारे उस मौके का काम आएगा तो भगवान ने बख्शा है, तुम्हारा मैं उसके शरीर के साथ नहीं चिपकेगा, जिसके मन दिया है उसके साथ चिपकेगा। क्या स्वाद भर सकता है न छोड़ना, और मेरी कसम, मेरी गीता की कसम, मेरी भगवान की कसम, ये प्लान को न छोड़ना। अदानी का अपने कोई भी नहीं, नहीं पकड़ा गीता जी के नौ ध्यान का नहीं पकड़ो अनिवार्य श्री अली नहीं पाए थी अनिवार्य इन एनी वन इन एनी वेयर इन एनी वन जब उनको गुण नजर आता है ये उसका नहीं भगवान उसको अधिकारी समझा है कब दिया है वैसे दुनिया आपको कितनी दुनिया है हाँ गुरु अस्सी लाख को अधिकारी समझा है कब ये दुनिया आपने उनकी 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 शर्त को पूरा कर दिया वो दुनिया आपको नहीं हुए निकलोगे आपको नहीं हुए है क्योंकि निकलोगे दुनिया भर का गुरु अस्सी जब भी कोई अपने आप उनकी शर्त के मुताबिक बना लिखा हो तो वो अटेन कर लेते हैं। इसलिए जाति को मन के काबल होता है भगवान व्यक्ति और कभी भी हमारा मन शरीर में नहीं फंसेगा, हम रात को करेंगे प्यार को करेंगे उनके लिए हमारे पास इंटेंशन नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा, हम समझेंगे हमारा मन कितने बजे का सदा जिधर मन मन के बात भगवान भी हो नक्षत्र किरण को घर के दिन में सूरज होता है, सूर्यदेव के ऊपर बच्ची श्री सूर्यदेव को भानु बोलते हैं, सूर्यदेव के ऊपर अनेक नामों में एक नाम क्या है भानु, ये चमक दमक दी हर किसा का नाम है भानु, भा आठ की मात्रा न और छोटी ऊंची मात्रा भानु, हाँ भानु ये चारों ओर चमक दमक फैला दी प्रकाश फैला दी मृत्यु फैला दी भानु, हाँ शकवास ये बीरा वर्ष शब्द जो हम कई भाइयों का नाम सुनती है सूरज भाव ये ठीक नाम नहीं है वर्ष तो फिर भी अगर कहा जाए तो सूरज का प्रकाश सूर्य तो सूर्य हुआ भाव मन तीज सूरज भाव और मन तीज अच्छा तो ये भावों का ही प्रकाश खा जाता चाहोगे जी बस अभी बता दो नजर अच्छा जा रहा है वो भगवान की भगवान का गुण है और भगवान का गुण है इसका विशेष शब्द भगवान ने निकाला विभूति भगवान ने कहा यह विभूति मतलब भी आपको प्रसाद मिला है क्या है सूजी और घी और खाओ सूजी घी और खाओ सूजी घी और चीन लेकिन नहीं हमें विशेष नाम रखा है खाली विशेष चाव रख दिया मेरी कहते सूजी दिया खान ये हल्लुआ ये खाने विशेष नाम रखेंगे अपने निवास वाली देंगे इस तरह ये जो गुण भगवान से आती है और पानी को देती है उनका विशेष नाम रखा भगवान ने भले बताइए क्या विभूति वाह सब्जी मेरी भगवती और लाली बेटी एक विशेष नाम हर एक उनकी भगवती नहीं है सकती है जो गुण भगवान से आ रहा है और किसी के पास है उसको हम कहते हैं भगवत विभूति है और खाएगा जिसे डिवाइन क्वालिटीज कंफर्म बाय कृष्ण अहमी महाराज जी की विभूति है अब हमारा भक्ति बढ़ती जाएगी मेरी मेरी माँ ने आए मेरी पिताजी ने है मेरी भूतियां मेरे भगवान की और हमारा मन कभी भी किसी रूप में सम्मान में नहीं लग सकता हमारा मन छुटा जा जाए
लेकिन दिन के देने वाले जो है भगवान जी है, और मैं किसी परिवार का भी था कभी उस परिवार में रहता तो काम क्या था, माँ जी भाई मैं सारे पिताजी पर झुके हुए थे, क्यों इतनी मात्र कर नहीं, माँ जी क्षमा करे कहीं भी क्षमा करे, पिताजी तो ज्यादा झुके हुए थे, क्यों पिताजी ही हर एक की फरमाए पूरी करते थे, जो कुछ कह रहे पिताजी ने नन्ना लगाने ही अच्छे बेटे अच्छे बेटी अच्छे भी अच्छे बच्चों की माँ बच्चों को मैं अगर बेकार ज्यादा नहीं कर पाए आपको कहा मैं सुन करेंगे ये कम होंगे अच्छा तू छा तो मैं झुकेगा क्योंकि फरमाए पूरी करने वाला क्यों गया पिता, इसी तरह जब हर एक मजबूर का केम है भगवान तो मेरे मन को झुकेगा ना हमारे कैसों के लिए बनाई हमारे कैसों के लिए क्या हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति समय थोड़े अनुसार पैदा होंगे तो महाराज मुझसे नीचा से ज्ञान लिखा ना बना लेंगे अपने काम चलाएंगे सब अपनी बात मनाएंगे सबाश ये मेरे मेरे व्यक्ति अब इसी धनी आपको मैं फिर कसम दिलाऊंगा जहां भी दिन नजर आओ उसमें मैं देखना मर जाओगे नहीं तो भर्ती नहीं होगी क्यों उसमें देखो आपका मन भर जाए ये मेरा बन जाए ये मुझे प्यार दे मैं उसमें प्यार दू ये मेरे बन क्योंकि अगर गुण आते उसमें देखूंगा क्योंकि गुरु का आशय है मन गुरु से प्यार करता है मन और अगर सिंचाई पता लगी गुण तो भगवान से आती है तो लगाई जन सारी मान दिन प्रतिदिन मैं हूं जा लगाएंगे दिन बीतिया ये प्रतिदिन भगवान के ओर प्यार बढ़ेगा मर जाए हिंदुस्तान समाज को बनाकर जने करने के साथ प्यार करती देती है ये मेरी पत्नी बेटी क्या पढ़ के भी जने करे की शरीर में मृत्यु पीती है जने करे की शरीर में आपके हर को आप उड़े पीती है अगर गंदी बात गंदी बात अगर शुरू से माने बताने की कदम ये बताने की ये जब खीर खाने वाले ब्राह्मण हमें शुरू से ये बात बता दे की हमारी भक्ति के गुरु कहलाते थे ये राम देवता अब इनको देवता का नहीं कहा क्योंकि इनके पहले ज्ञान ही नहीं है सेठ के पहले रुपया होते सेठ कहता होगा ज्ञानी के पहले ज्ञान में होते हुए ब्राह्मण नहीं व्याक्षी से भी शून्य से भी बड़ा रूपा बना जाता ये कुछ समझाता ना लोगों को अब तो भगवान जी आपको बता रही है अब अगर चारों से खुद जाए अब मैं और आप सब अवस्था क्या बनेगी सुखी हर साक्षी वो मेरी साक्षी वो मेरी सरताज मेरे मन के राजा वो अब मैं हट जाए नहीं 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 ठप्पर वाले के अपनी जाल पर एक इधर एक इधर आलू गवा डाली इस उसके साथ प्यार करके कई अगुर देख लिए देश हो गया कई गुण देख कर आवाज हो गया इसी रात देश की गेंद में हमारा अंतकरण ऊर्जा रहा फसा हुआ अब पता लगा संयोग का तो मन क्या हो गया चारों से भी भय हो जाएगा उसमें मन का लगा सब गंगा शुरू करे तो फिर क्या होगा सारा खंडा संख्या लेती नहीं मैं किसी और ढंग से नहीं करूंगा हमें आपका कस्टमर नहीं बनना चाहती नहीं निकालो ऐसी विचार भरना हुई है सारा खाने ऊंचे करते रह गए नहीं नहीं आपको रूटी चलता है आप क्या से बोलो ऐसे करते करते खाने में जो पड़ता है मैं माफी मांगी हुई मैं जानता हूं मैं कब बोल कब से मस्ते मैं मेरी रूटी नहीं हूं कितनी बार भी आगे मैं करवा के खाना कैसे खा रही है ऐसा बोला रहता है मैं सबके बारे में बोला तुम बात में हमारे उस लड़की ने वो उनकी एक एक बात मनाई एक केक को ढेले ढेले आकर दिया तुम हमारे में तो हम तो बारे नहीं हो ये तरीका बोलने का और मूर्ख ऐसी होती है स्वयं को ये तरीका होता बोलने का अब तुम आपको सपना रूटीन ओम ने बच्चे बाकी उस दिन में उसी वक्त स्टेप उठाया आप इसी वक्त स्टेप उठा लो समाज गुरु का भय नहीं भगवान जी विड्रॉ जगह मान जैसे बेटी ने सारा फंड विड्रॉ कर लिया जोर रखने वाला मेरे मन के नाते का पहली बात है इतना मैंने खिलाफ मन से मालूम क्यों लाइए मुझे पूछो
सारे गुस्से में क्यों लाई है? बताया ऐसा स्वरूप में आपकी नहीं चाहती, कभी भी नहीं होगा। इसी तरह मन को मन क्यों फिरता जा रहा है चारों ओर से, क्योंकि पता लग गया है गुरु और घर सहन सुंदर है, भगवान है तमाम। अब मुझे पता लग गया मन बोलेगा मजार करूंगा, किसी का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि सब किसी चलाए मान है। कितने इंकलाबी पड़ते हैं जिसमें बोलता है क्या इन जबान में ले जाए, क्या सिर्फ नीचा जी के पन्ने और श्रोतों में रह जाए? नहीं, नीचा जी ने तो प्रिजर्व किया हुआ है आपके लिए, प्रिजर्व है। शाबाश 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 शाबाश। वो सिंगल पूछेगा उनसे श्री छोड़ा जी ने छूट गया उनके दोस्त आए उनकी पत्नी के पास। हाँ ये 10,000 रुपया कैसा आप कृष्ण मान जी शरीर छोड़ दिए हो, उनसे मैंने लिया था है। बार बार का एक मंडल गिरा, मेरा मन बहुत दुखा, उनका एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, और मैंने भी रखा ही नहीं था, ये तो वापस कर लेंगे। कितनी श्रीमति खुश कितनी मंडल उनकी जानी का होता मैं देखा, मैं कहा हाथ पकड़ा कर रहे दीदी, मैं आगे किस कर्म का फल पा रहा हूं। इसी तरह जब हमें पता लग गया गुजर से गुरु का घर तो भगवान होती है। हाँ तो हमारे मन अति विश्वास जाए चारों ओर से आपके एक मार्ग में लग जाए। तो गुजर ने रखा हुआ नियम जैसे उसने मैंने अभी भी कहा उस भाई ने आके उसकी पत्नी को बता दी, इस तरह गीता ने गुण रखा है किसके लिए? समय समय अनुसार जब भी हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति पैदा होंगे दसवा अध्याय उनको हाथ पढ़ाएगा, मेरा घर तो भगवान जी ने पता नहीं दिया। दक्षिण जनता ने हमने श्रीमती को रखा जी दसवा जी ने ये भी शरीर छोड़ दिए, उनसे मैंने लिया था तो हम धार्मिक बनेंगे ना। हाँ तो दसवा अध्याय कहगा जी भगवान की अमानत सवाल में कौन सी अमानत ये सिद्धांत है क्या सिद्धांत जहां भी गुण दुख हो गई मन भी भागेगा तो सिद्धांत क्या है? घर भगवान है जिसको अधिकारी समझती है उसी को दे देती है। तो जब कहीं हम किसी ने गुण देखे या सुंदरता देखे तो क्या कमजोर बांटे जाएंगे, या लानत सुनने जाएंगे, लानत कश्मीर जाएंगे कभी क्यों जाएंगे, या किसी नाम की ओर देखेंगे या नाती ओर देखेंगे कभी नहीं लानत तो क्या होगा? हम भगवान के दूर जाएंगे सिद्धांत के निकल सब कुछ तेरा ही फैला हुआ निर्माता। कितना व्यस्त पॉइंट अपने आप को अपने आप में रखने के लिए अपने आप को अपने आप में रोज हिंदुस्तान की भाजन देगी क्यों घूमती है गीता का ज्ञान? गीता ज्ञान में तो हम किसी काम के नहीं कोई बिना जीरो यही सिद्धांत हमारे पर लेना हो तो क्या जगह जगह की शरीर पर मरना जिसका रूप बच्चे इसका नक बोला इससे गाली बोल तो लाना इसके बाद रे गुमराने हैं एक ही काम की इनकी चीज की तो मत होती है लेकिन इनके बैकग्राउंड में कौन है? भगवान जी सब कुछ मंजूरी वाली है उन्हीं की दिया है जानते भाई चलो पंजोर बाड़े क्यों चले किसी ने चले जिसने पंजोर बाड़े में इतनी सुंदरता बनाई वो कौन मना की इंसान धार्मिक होते हैं हिंदुस्तान के उत्तरी पंजोर भी क्या करने के बाद बने हाँ जलदार फूलदार छायादार वृक्ष हाँ बनाने वाला काम भगवान तो काम जाएंगे कभी ख्याल भी आएगा अगर जब जोड़े बुक लगेगी भगवान जी हो सबाश एक बार मैं जो कर रहा हूं मैं भले ही कर रहा तू मां रानी का बड़ी पसंद तू बड़ी पसंद ये नहीं समझो तो एक बार एक सीख दिया उन्होंने पत्नी कितने हजारों रुपया दान दिया था तो उन गुरु ने पाठ बड़ा अच्छा किया ना पी उनको दिया काफी बताया मैं तो बच्चा था आज भी था लेकिन अचकल याद आ रहा है कुछ रुपया बुला बुला के नहीं बने लेकिन सर इनकार कर दिया शकीन पर खपत गई क्यों मेरी बदनामी सिर से निकाल क्यों मेरी बदनामी करती हो मेरी नेक कमाई है नहीं हम अपनी कमाई को सपने कर रहे कमाई आपकी नेक है आप जिंदा है आप बड़ी मूल करवा के कर्जा कमाया वो कहा हम नहीं होते सुनिए मेरी बात मैं मेरे मन के आपको उठा था मैं बालिक का छोटी सी कच्ची बनी हुई और छोटी सी कमी का बटन टूटे लेकिन मन पर बड़ा असर हुआ क्या इनकार कर रही ने पास नहीं किया हमने अपना रोल अदा किया सो मैंने गोली मारी वो मेरे जगह रोटी वो मेरे भैया ओए इनकार करता जिसने उनको रुपया मिल रहा
उस वक्त से अगर 1000 रुपया आपको 10000 होगा तो 1000 रुपया दे दीजिए इनाम आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। सीट की गति नहीं जाकर आता रहा और एक ही किलोगी सीधा का पास मैंने बहुत अच्छा किया। ये जो बने तो नारी बने और पक्षी उड़ाए हुए हुए मेरा मन मूर्त हो गया। मेरा सब इनाम दो मुझे पुरस्कार दे रही है लेकिन इनकार कर दिया नहीं हम देखे क्यों सिर जी पर सिर के ऊपर तो उनका डायरेक्टर आया आपसे पूछे सिर जी ने मिले उनके मन से कार्य हम क्यों नहीं मिले और सारे मूल करने वाले वो पार्टी थी या वो एक्टिव थी जो प्रधान पार्टी थी वो आप क्यों रहते हो मेरी ये कमाई आपका मेरी ये कमाई है मेरी बुरी कमाई क्या नहीं आपकी कमाई नहीं कर लेकिन आप भक्ति का हो हमने समझ मेरे बच्चे मेरे भाइयों हमने जो पार्क नहीं किया आहा अब भी मेरी नजर आ रहा है स्टेज और उनका होना और उनका निकलना हमने तो अच्छा पार्क मुझे आपको अच्छा लगा ना हमने बोला अच्छा हमने टांग उठा के यू किया श्री कृष्ण जी ने पांच लिख फिर उठा रहा बदलू कर दे राम को सोच चलाया था लेकिन फिर कर देना बाली की लड़की को अंदर को जो फिर कर लो अंदर ये बहुत अच्छी थी तो आपने भी किसी एक्टिव पर लिया ना लेकिन आपने ये भी सोचा सर जी सुनिए बात से सुनो बच्चे निर्भर पर आप बता दो सुनो गए आपने किसी बारी एक्टिव पर लिया ना हाँ लेकिन आपने ये सोचा ये एक्टिंग सिखाने वाले वो बरतते हैं हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद।